अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी का पोर्शन इन डिटेल हमने स्टडी किया है। इससे पहले हम जानते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए रेडिएशंस अमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस। अब स्टूडेंट्स, चूंकि ये रेडिएशंस डिटेक्टेबल नहीं है, हम इन्हें देख नहीं सकते, इन्हें हम अपने सेंसेस की मदद से सेंस नहीं कर सकते, तो इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, इन रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस डिज़ाइन की गई जिनकी मदद से हम इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, इन रेडिएशंस को स्टडी करते हैं, इन रेडिएशंस को काउंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट रेडिएशन डिटेक्टर जो आपने स्टडी किया था वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर की मदद से हमने रेडिएशंस के ट्रैक को विजिबल बनाया था और इस तरह से हमने रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया था। लेकिन स्टूडेंट्स, विल्सन क्लाउड चैम्बर हमें रेडिएशंस का पाथ तो शो करता है, लेकिन ये रेडिएशंस का काउंट नहीं देता। यानी चैम्बर में कितनी रेडिएशंस एंटर हुई हैं वो विल्सन क्लाउड चैम्बर की मदद से हम फाइंड नहीं कर सकते। अब उससे एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हमें रेडिएशंस का काउंट प्रोवाइड करेगा, और वो है गीगर मुलर काउंटर। गीगर मुलर काउंटर नाम से पता चल रहा है कि ये एक रेडिएशन काउंटर है। अब ये रेडिएशन काउंटर किसने बनाया? ये रेडिएशन काउंटर दो साइंटिस्ट गीगर एंड मुलर की कंट्रीब्यूशन से बना। गीगर और मुलर की कंबाइन एफर्ट्स की मदद से एक रेडिएशन डिटेक्टर, एक रेडिएशन काउंटर डिजाइन किया गया जिसे कहते हैं गीगर मुलर काउंटर। स्टूडेंट्स, गीगर मुलर काउंटर बेसिकली एक रेडिएशन डिटेक्टर है। ये एक गैस फिल्ड डिटेक्टर है जो कि हमें रेडिएशंस के काउंट्स प्रोवाइड करता है। अब गीगर मुलर काउंटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? गीगर मुलर काउंटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई? गीगर मुलर काउंटर को किस तरह से डिजाइन किया गया? इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? इसकी वर्किंग में क्या कोई प्रॉब्लम्स हैं? अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या होगा? इन तमाम पॉइंट्स को हम इन डिटेल आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। गीगर मुलर काउंटर को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ये एक रेडिएशन डिटेक्टर है जो कि हमें रेडिएशंस के काउंट्स प्रोवाइड करता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम डिस्कस करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बिल्कुल विल्सन क्लाउड चैम्बर की तरह ही है कि जहां रेडिएशंस एंटर होंगी और जब रेडिएशंस गीगर मुलर ट्यूब में एंटर होंगी तो वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगी। यानी उस ट्यूब में ऑलरेडी जो गैस मौजूद होगी उस गैस के एटम्स को आयोनाइज करेंगी, तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के पेयर जनरेट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होगा और उस करंट पल्स को हमारा एक्सटर्नल सर्किट डिटेक्ट करेगा और उसकी डिटेक्शन की वजह से हमें पता चलेगा, एक काउंट मिलेगा, हमें पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं ये बेसिकली जनरेट हुए हैं ड्यू टू आयोनाइजेशन। और ये आयोनाइजेशन किसने प्रोड्यूस की है? ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की है रेडिएशंस ने। यानी कोई रेडियो एक्टिव सोर्स हमारी सराउंडिंग में है जो कि जिससे निकलने वाली रेडिएशन जब काउंटर में आई तो उन्होंने आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट पल्स जनरेट हुई जिसे डिटेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट ने। यानी इस तरह से हमें एक काउंट मिलेगा, हमें पता चलेगा कि यहाँ कोई रेडिएशंस एंटर हो रही है। अब स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को, कंस्ट्रक्शन को और बाकी पैरामीटर्स को हम इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, गीगर मुलर काउंटर की कंस्ट्रक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो गीगर मुलर काउंटर की कंस्ट्रक्शन के लिए एक हॉलो सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब चूज की गई। हॉलो सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब के सेंटर में यहाँ इंसर्ट की गई एक टंगस्टन वायर।
हॉलो सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब की आउटर बॉडी को कनेक्ट किया गया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि सेंट्रल वायर को कनेक्ट किया गया है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब चूंकि इसकी आउटर बॉडी कनेक्टेड है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो इट मीन्स इसकी आउटर बॉडी एक्ट करेगी एज अ कैथोड, जबकि सेंट्रल वायर जो कि कनेक्टेड है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो ये एक्ट करेगी एज अ एनोड। अब इस मेटल ट्यूब की एक साइड को क्लोज किया गया बाय यूजिंग नॉन कंडक्टिंग मेटल, जबकि दूसरी साइड जहां से हमने रेडिएशंस को एंटर करना है इसे क्लोज किया है बाय यूजिंग थिन माइका विंडो। अब यहां थिन माइका विंडो का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसकी जगह कोई और मेटल की विंडो क्यों यूज नहीं की गई? क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस की डिफरेंट पेंट्रेशन पावर है, सो फर्ज करें जहां हम कोई और मेटल की विंडो अगर यूज करते हैं तो गैमा रेडिएशंस जिनकी पेंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि वो रेडिएशंस इजीली यहां से पास कर जाएं। लेकिन स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल्स जिनकी पेंट्रेशन पावर बहुत कम होती है वो इजीली बल्कि वो पास ही नहीं कर पाएंगी उस मेटल शीट से। सो स्टूडेंट्स माइका विंडो का इंतखाब इसीलिए किया गया, थिन माइका विंडो को इसीलिए चूज किया गया ताकि अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स या ऐसी रेडिएशंस जिनकी पेंट्रेशन पावर बहुत कम है वो भी इजीली इस थिन माइका विंडो से पेंट्रेट करके अंदर ट्यूब में जा सकें और आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकें। अब स्टूडेंट्स इस मेटल ट्यूब को फिल किया गया है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। अब यहाँ दो तरह का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, एक गैस है प्रिंसिपल गैस और दूसरी गैस है क्विंचिंग गैस। अब प्रिंसिपल गैस और क्विंचिंग गैस किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं, इन्हें तो हम इन डिटेल इसकी वर्किंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां हम सिर्फ इतना डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल गैस में मोस्टली हम नोबल गैसेस को यूज करते हैं। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, यानी यहाँ जो दूसरी गैस हम यूज करेंगे जो कि क्विंचिंग गैस है, नोबल गैस उस क्विंचिंग गैस के साथ कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगी। अब नोबल गैस में मोस्टली हम नियोन और आर्गोन को ही यूज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपकी बुक में वहाँ यहाँ वो प्रेफर कर रहे हैं नियोन को और उसका कॉम्बिनेशन विद द ब्रोमीन। और अब ये जो क्विंचिंग गैसेस हैं यहाँ मोस्टली हेलोजेंस को यूज किया जाता है, ऐसी गैसेस को यूज किया जाता है जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल इन प्रिंसिपल गैस से कम हो। अब आपकी बुक में वो यूज कर रहे हैं ब्रोमीन को नियोन के साथ, वैसे आर्गोन और अल्कोहल का मिक्सचर भी यूज किया जाता है, लेकिन जहां हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे नियोन को मिक्स करेंगे विद द ब्रोमीन। अब प्रिंसिपल गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, 90% हम यूज करेंगे प्रिंसिपल गैस को यानी नियोन को, जबकि 10% हम यूज करेंगे ब्रोमीन को जो कि रोल प्ले करेगी एज अ क्विंचिंग गैस के। अब स्टूडेंट्स इस ट्यूब के अंदर बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट किया गया, यहाँ जो प्रेशर मेंटेन किया गया है दैट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। अब इस ट्यूब में एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की गई है। अब ये लो प्रेशर और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से काम करेंगे, ये लो प्रेशर और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और होल्स जो कि जनरेट होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन उनकी मूवमेंट में आसानी पैदा करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हाई वेलोसिटी और हाई काइनेटिक एनर्जी अटेन करने में हेल्प करेगी दिस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है नियोन और ब्रोमीन के केस में वो है 400 वोल्ट की रेंज में, लेकिन अगर आर्गोन का मिक्सचर हम यूज करेंगे विद अल्कोहल वेपर तब हम बैटरी जो अटैच करेंगे उसका पोटेंशियल होगा इन द रेंज ऑफ 1000 वोल्ट्स।
स्टूडेंट्स, अब हम वर्किंग ऑफ गीगर मुलर काउंटर को डिस्कस करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि गीगर मुलर ट्यूब में हम दो तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस को यूज कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन है नियोन मिक्स्ड विद ब्रोमीन, जबकि दूसरा कॉम्बिनेशन है आर्गोन मिक्स्ड विद अल्कोहल। चूंकि आपकी बुक में नियोन मिक्स्ड विद ब्रोमीन को इन डिटेल डिस्कस किया गया है, सो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे इन डिटेल। चूंकि स्टूडेंट्स, यहाँ नियोन रोल प्ले करती है प्रिंसिपल गैस का, यानी यहाँ हम इसकी 90% कंसंट्रेशन को यूज करेंगे, जबकि दूसरी गैस जो कि ब्रोमीन है वो एक क्विंचिंग गैस का रोल प्ले करती है, सो इसकी हम स्मॉल कंसंट्रेशन को ही यूज करेंगे। जब रेडिएशंस एंटर होंगी थ्रू माइका विंडो, तो ये गैस के एटम्स के साथ इंट्रैक्ट करेंगी, यानी इस इंट्रैक्शन के रिजल्ट के तौर पर ये गैस के एटम्स को आयोनाइज करेंगी। सपोज करें कि ये रेडिएशन आके इस सिंगल नियोन के एटम को हिट करके इसको आयोनाइज कर रही है, सो इसके रिजल्ट के तौर पर हमारे पास एक नियोन पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ और साथ ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। अब चूंकि स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव नियोन आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चाहेंगे कि ये मूव करें टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, यानी ये पॉजिटिव नियोन आयन मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड। सो स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी और हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देखें, तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ एनोड की तरफ आएगा, तो ये अपने रास्ते में आने वाले मजीद नियोन एटम्स को हिट करके उन्हें आयनाइज कर देगा, और जब ये उन्हें आयनाइज करेगा तो मजीद इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज करूं कि ये रेडिएशन आई, इसने नियोन एटम को हिट किया, हिट करने के रिजल्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन पेयर जनरेट हुए। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे ये प्राइमरी आयनाइजेशन है। अब प्राइमरी आयनाइजेशन में हमें मिले पॉजिटिव नियोन आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चूंकि एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, सो इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, इसकी हाई वेलोसिटी है। लेट्स सपोज मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखती हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ एनोड की तरफ आ रहा है, ये अपने रास्ते में आने वाले इस नियोन के एटम को हिट करके इसे आयनाइज कर रहा है। जब इसने इसे हिट किया तो मिला हमें पॉजिटिव नियोन आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी आयनाइजेशन में जनरेट हुआ था, एक वो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन ने मजीद आयनाइजेशन करके एक और इलेक्ट्रॉन जो जनरेट किया है, ये इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करेंगे, यानी इनकी भी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई वेलोसिटी होगी। ये जब मूव करते हुए एनोड की तरफ आएंगे, तो ये अपने रास्ते में मजीद नियोन एटम्स को हिट करके उन्हें आयनाइज करेंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले एक और एटम को हिट करके आयनाइज करेगा, मजीद एक और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन अगर देखें, तो ये भी अपने रास्ते में आने वाले नियोन एटम को हिट करके एक और इलेक्ट्रॉन और आयन का पेयर जनरेट करेगा, यानी इसने एक और इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन मजीद अपने रास्ते में आने वाले नियोन एटम को हिट करेगा, उसे आयनाइज करेगा, मजीद इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ था, वो एनोड तक पहुंचते पहुंचते कितने और एटम्स को हिट करके उन्हें आयनाइज करके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर देगा। यानी ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं एवलेंच इफेक्ट। और
इस इफेक्ट के रिजल्ट के तौर पर जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं इसे कहते हैं कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इस सेंट्रल एनोड पर पहुंचेंगे तो ये सेंट्रल एनोड पे पहुंचकर ये इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहे हैं तो यहाँ एक करंट पल्स जनरेट होगी जो कि ये एक्सटर्नल सर्किट उसको डिटेक्ट करेगा और वो एक काउंट को शो करेगा। अब ये करंट पल्स ये शॉर्टी दे रही है, ये बता रही है कि जहां कोई रेडिएशंस एंटर हुई हैं उन रेडिएशंस ने आके कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट किए हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब एनोड तक पहुंचे हैं तो करंट पल्स जनरेट हुई है, मतलब ये एक काउंट शो होगा, हमें पता चलेगा कि यहाँ कोई रेडिएशंस एंटर हुई, उन्होंने आयनाइजेशन की और आयनाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें करंट पल्स मिली। यानी ये करंट पल्स किसने जनरेट की है? रेडिएशंस ने जनरेट की है। यानी ये पॉसिबिलिटी शो कर रही है कि जहाँ हमारी सराउंडिंग में रेडिएशंस मौजूद हैं जो कि माइका विंडो से एंटर हुई और उन्होंने आयनाइजेशन प्रोड्यूस करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया है और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने आके एक करंट पल्स शो की है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जैसे ही रेडिएशंस एंटर हुई, रेडिएशन एंटर होके इंट्रैक्ट किया उन्होंने गैस के एटम्स के साथ, आयनाइजेशन प्रोड्यूस की और आयनाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव नियॉन आयन जनरेट हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे टूवर्ड्स द एनोड विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी विद हाई वेलोसिटी। ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी एंड हाई वेलोसिटी इन्होंने मजीद इंट्रैक्शन की विद द गैस एटम्स और उन्हें आयनाइज किया, जिसकी वजह से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड तक पहुंचे तो एक करंट पल्स रजिस्टर हुई और इस करंट पल्स ने डिटेक्शन शो की, काउंट शो किया, जिससे पता चला कि कोई रेडिएशन एंटर हुई थी जिन्होंने आयनाइजेशन प्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रॉन जनरेट किए हैं जो कि हमें शो हुआ है बाय अ काउंट बाय अ करंट पल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन जहां जो पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ ये किस तरह से मूव करेगा? अब स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव आयन मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड। जब ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, अब चूंकि ये पॉजिटिव आयन हैवी है, हैवी पार्टिकल स्मॉल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन तो फौरन से ही एनोड तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव नियॉन आयन स्लोली मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड। यानी अगर टाइम का कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रोसेकंड में एनोड तक पहुंचेगा, जबकि ये पॉजिटिव नियॉन आयन 10⁻⁴ सेकंड लेगा टू रीच द कैथोड। सो जब ये कैथोड तक पहुंचा, ये स्लोली स्लोली पहुंचा, जबकि इलेक्ट्रॉन फौरन से यहाँ आया, उसने इलेक्ट्रॉन पल्स क्रिएट की जो कि एक काउंट की फॉर्म में शो हुई, लेकिन अब चूंकि ये इसके कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम ले रहा है यहाँ पहुंचते हुए, तो इतने टाइम के दौरान ये काउंटर कोई भी काउंट शो नहीं करेगा। अब ये काउंट क्यों शो नहीं करता? क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ मजीद कोई न्यूट्रल एटम मौजूद नहीं होंगे जिनके साथ ये रेडिएशंस इंट्रैक्ट करें और आयनाइजेशन को प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट हों जो कि पल्स को शो करें। सो स्टूडेंट्स, जितनी देर में ये आयन यहाँ पहुँचता, आपका ये जो डिटेक्टर है, ये जो काउंटर है, ये इनसेंसिटिव बिहेव करेगा। सो इस दौरान GM काउंटर विल बिकम इनसेंसिटिव और ये टाइम जो कि पॉजिटिव आयन कंज्यूम कर रहा है टू रीच द कैथोड, इस टाइम को बोला जाता है डेड टाइम ऑफ GM काउंटर, क्योंकि इस टाइम रेडिएशंस तो एंटर हो रही हैं पर दे आर नॉट काजिंग एनी आयनाइजेशन बिकॉज नो न्यूट्रल एटम्स आर प्रेजेंट इन द GM काउंटर। अब स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव आयन डेड टाइम के अलावा एक और प्रॉब्लम भी जनरेट करते हैं और वो है व्हाइल कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कैथोड, चूंकि आयन्स मूव कर रहा है विद इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने की वजह से इसके पास हाई एनर्जी आ जाती है। यानी ये हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा और ये पॉजिटिव आयन जब यहाँ कैथोड तक पहुँचेगा तो ये उसे जोर से हिट करेगा, यानी उसके साथ कुछ इस तरह से इंट्रैक्ट करेगा
कि उससे इलेक्ट्रॉन लेकर खुद न्यूट्रलाइज तो होगा ही, लेकिन वहां से अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मजीद एक फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करेगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव आयन की कैथोड की वाल के साथ इंट्रैक्शन की वजह से जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन भी मजीद यहाँ एनोड की तरफ मूव करेगा, मजीद अपने रास्ते में आने वाले नियोन एटम्स को हिट करके उन्हें आयनाइज करेगा और इस तरह से मजीद हमारे पास यहाँ करंट पल्स जनरेट होगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो करंट पल्स जनरेट होगी ये इस आयनाइजेशन की वजह से जनरेट नहीं हुई जो कि रेडिएशन ने काज की है, जबकि डिटेक्टर का बुनियादी मकसद ये है कि ये उस रेडिएशन को डिटेक्ट करे जो कि एंटर होके आयनाइजेशन क्रिएट करती है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, एनोड तक पहुंचते हैं और करंट पल्स को जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव आयन जाके इंट्रैक्ट कर रहा है कैथोड की वाल के साथ हाई एनर्जी के साथ और वहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है मजीद हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता हुआ एनोड की तरफ आता है और इस दौरान अपने रास्ते में आने वाले मजीद गैस के एटम्स को आयनाइज कर देता है, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। इस तरह लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे रिलीज होकर एनोड तक पहुंचते हैं और यहाँ में काउंट प्रोवाइड करते हैं, यानी डिटेक्टर को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं जिसकी मदद से वो काउंट को शो करता है। ये डिटेक्टर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये इलेक्ट्रॉन्स किसने रिलीज किए हैं, क्या जो रेडिएशन आई है उसने रिलीज किए हैं या कि पॉजिटिव आयन जिसने जाके वाल को हिट किया है उसकी वजह से ये करंट जनरेट हुआ है या पल्स जनरेट हुई है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास फेक काउंट्स आना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम स्पेरियस काउंट्स कहते हैं, यानी ये जाली जो काउंट्स हमारे पास आते हैं फेक काउंट्स आते हैं, फेक करंट पल्स जनरेट होती है। किसकी वजह से? जब इस पॉजिटिव आयन ने जोर से जाके हिट किया इस कैथोड की वाल को तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जब एनोड की तरफ हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ। क्यों हाई काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो ये जहां तक जब पहुंचते हैं तो मजीद गैस के एटम्स को हिट करके उन्हें आयनाइज करके मजीद इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाते हैं, तो यहाँ फिर मजीद कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ करंट पल्स जनरेट होती है जो कि एक फेक काउंट है जो कि हमारे काम का नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ इस रेडिएशन की वजह से जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है उसको डिटेक्ट करना था। सो यहाँ से हमने देखा दो प्रॉब्लम्स आई, एक है डेड टाइम की और दूसरी कौन सी है, दूसरी है इन फेक काउंट्स की जो कि इस पॉजिटिव आयन की वजह से जनरेट हुए हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव आयन की मूवमेंट की वजह से हमें फेक काउंट्स मिले। अब इन फेक काउंट्स को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक है सेल्फ क्विंचिंग और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। सो स्टूडेंट्स, सेल्फ क्विंचिंग के लिए ऐसी गैस को चूज किया जाता है जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल नियोन से कम कैरी करती हो। यहाँ नियोन के साथ दूसरी गैस जिसको मिक्स किया जाता है वो है ब्रोमीन, चूंकि ब्रोमीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल नियोन से कम है इसलिए ब्रोमीन को मिक्स किया जाता है विद द नियोन एज अ क्विंचिंग गैस। अब ब्रोमीन एक मॉलिक्यूलर गैस है और इसका मॉलिक्यूल होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जब रेडिएशंस एंटर होंगी तो वो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली गैस जो कि क्विंचिंग गैस है को पहले आयनाइज कर देंगी और बाद में आर्गोन को आयनाइज करेंगी। चूंकि क्विंचिंग गैस पहले आयनाइज हुई है तो इसके पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हुए पहले कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनोड के मुकाबले में पहले ही कैथोड पर पहुंच जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, जब नियोन के आयन्स अभी ट्रेवल कर रहे होंगे तो क्विंचिंग गैस के आयन्स पहले ही कैथोड की सराउंडिंग में पहुंच जाएंगे। क्विंचिंग गैस के आयन्स जैसे ही कैथोड पर पहुंचेंगे तो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू न्यूट्रल मॉलिक्यूल।
चूंकि स्टूडेंट्स ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लविंग गैस होती है, तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस से ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब ये नियोन मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द कैथोड, तो यहाँ न्यूट्रल ब्रोमीन के आयन्स ऑलरेडी मौजूद होंगे। सो ये पॉजिटिव नियोन के आयन इस ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगे विद हाई काइनेटिक एनर्जी, अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी के अमाउंट एक्सचेंज करेंगे विद द न्यूट्रल ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, ये नियोन के जो आयन हैं इनकी जो हाई काइनेटिक एनर्जी थी वो उन्होंने कुछ अमाउंट एक्सचेंज कर दी ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी अब कम हो जाएगी। ये लो काइनेटिक एनर्जी के साथ जब यहाँ कैथोड तक पहुँचेंगे तो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो जाएंगे। इस तरह यहाँ से मजीद कोई इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ये जनरेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ हमें फेक काउंट्स मिले। सो इन पॉजिटिव नियोन आयन्स ने जब हिट किया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन को, तो उस हिटिंग के रिजल्ट के तौर पर इन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज किया था विद द न्यूट्रल ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। अब उस एनर्जी को यूज़ करके ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिसोसिएशन प्रोड्यूस होगी, यानी एटम्स डिसोसिएट होंगे, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होंगे, उसके बाद वो दोबारा से रिकम्बाइन हो जाएंगे इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्म और मज़ीद वो क्या करेंगे, रेडी हो जाएंगे फॉर प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, इस सारे प्रोसेस में आपने देखा कि किस तरह से क्विंचिंग गैस ने हेल्प प्रोवाइड की टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियोन आयन्स, और नियोन की काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके किस तरह क्विंचिंग गैस के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए और फौरन से रिकम्बाइन होकर मजीद आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो गए। सो स्टूडेंट्स, क्विंचिंग गैस प्रिवेंट्स द स्पेरियस काउंट्स। क्विंचिंग गैस की मदद से हमें जो फेक काउंट मिल रहे थे उन फेक काउंट्स को प्रिवेंट करने के लिए रोल प्ले किया क्विंचिंग गैस ने, और इस टेक्निक को कहते हैं सेल्फ क्विंचिंग। स्टूडेंट्स, दूसरी जो टेक्निक यहाँ यूज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही देर है क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया जाता है और नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि कैथोड और एनोड के पोटेंशियल में डिफरेंस भी रहे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आयन को एक्सलेट भी करे टुवर्ड्स कैथोड, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी कम हो कि जब ये पॉजिटिव आयन मूव करें तो इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को गेन ना कर सके, यानी जब वो कैथोड को हिट करें तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जनरेट ना कर सकें। लेकिन यहाँ जब पॉजिटिव आयन स्लो होंगे तो जीएम काउंटर का डेड टाइम और इंक्रीज होगा। सो इस डिसएडवांटेज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग को प्रेफर नहीं। स्टूडेंट्स, जीएम काउंटर को आपने देखा कि ये किस तरह से रेडिएशंस के काउंट्स प्रोवाइड करता है, यानी जब रेडिएशंस एंटर होती हैं विद इन जीएम ट्यूब तो ये रेडिएशन इंट्रैक्ट करती हैं गैस के एटम्स के साथ और उन्हें आयनाइज कर देती हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स के पेयर जनरेट होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मौजूद हैं विद इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, यानी ये हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए एनोड की तरफ आते हैं तो ये अपने रास्ते में आने वाले मजीद नियोन एटम्स को हिट करके उन्हें आयनाइज कर देते हैं, यानी इस तरह से हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। अब ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ये जब एनोड पर पहुंचते हैं तो ये एक करंट पल्स को जनरेट करते हैं और इस करंट पल्स को हमारा एक्सटर्नल सर्किट डिटेक्ट करता है, शो करता है एक कॉन्ट की फॉर्म में।
सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रेडिएशन एंटर हुई और रेडिएशन ने आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की, और आयोनाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले उन्होंने मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने एक करंट पल्स जनरेट की, और इस करंट पल्स ने इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ काउंटर में, यहाँ डिटेक्टर में, इस ट्यूब में रेडिएशन एंटर हुई हैं जिन्होंने आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने एक करंट पल्स जनरेट की है। यानी इस तरह से हमें एक काउंट मिलता है जो कि रेडिएशन के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस काउंटर के साथ एक प्रॉब्लम है, एक इसका ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि ये स्लो काउंटिंग के लिए सूटेबल काउंटर है। यानी अगर हमने फास्ट काउंटिंग करनी हो, किसी डिटेक्टर में मुसलसल रेडिएशंस एंटर हो रही हैं और उन मुसलसल एंटर होने वाली रेडिएशन को अगर हमने काउंट करना हो, तो ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। और इसकी वजह आपने देखी थी, इसकी मेन रीजन है लार्ज डेड टाइम। डेड टाइम वो टाइम पीरियड है जिसके दौरान आपका काउंटर इनसेंसिटिव हो जाता है, आपका काउंटर डिटेक्ट नहीं कर पाता, सेंस नहीं कर पाता मजीद एंटर होने वाली रेडिएशंस को। सो अगर आपने किसी ऐसी जगह जहां रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस एंटर हो रही हैं जीएम ट्यूब में, तो उनको अगर काउंट करना हो तो इसके लिए ये जीएम काउंटर सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी रेडिएशंस एंटर हो रही हूँ, यानी ऐसी जगह में आपने काउंटिंग करनी है जहाँ रेडिएशंस का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, स्लो काउंटिंग करनी है, तो उसके लिए ये काउंटर सूटेबल है।